हमने मुख्यमंत्री जी महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर पांच मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कंपटीशन घटाने, पेंशन में शुरू से ही 1-2% की बढ़ोतरी करने और अन्य मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। हमने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत जिसकी सेवानिवृत्त समन्वय समिति बनी हुई है अजमेर में और उसके सभी सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने इनकी 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी महोदय को और मुख्य सचिव और वित्त सचिव तीनों को हमने प्रेषित करी है। उसके अंदर पांच मांगे ये है मुख्य की। फर्स्ट तो ये है कि उनको जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो हो गया और जो अब हो रहे हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त रखा जाए। दूसरा, उनकी जो वार्षिक जो उनकी जो कम्यूटेशन की जो लिमिट है उसको केंद्र के अंदर 8 वर्ष है और हमारे यहाँ 14 साल है। तो जब 60 साल के बाद में आदमी 14 साल तक अपनी रिकवरी कर ही नहीं पाता वो जीवन की, तो हम चाह रहे हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो इसको घटा के और केंद्र के बराबर 8 साल कर दे। एक हमारे यहाँ वेतन वृद्धि है जो 31 जुलाई जो है उसकी इनको उसका भी परिलाभ मिलना चाहिए। और चौथी मांग ये है कि हमारे अजमेर के अंदर 2019 के अगस्त के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं उनका अभी तक 300 जो PL उनके खाते में रहती है उसका बजट अभाव के कारण उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो और पांचवी मांग इनकी 80 साल वाली है कि 80 साल की जो उम्र 80 साल की उम्र जो ये पूरी करते हैं ना उसके ऊपर इनका जो ये कम्यूटेशन वगैरह पेंशन जो बढ़ोतरी होती है वो हम चाहते हैं कि 80 साल के बाद में नहीं हो और 60 साल के बाद ही 1%, 2%, 3%, मतलब 60 के बाद 1% हर साल उसकी वृद्धि हो। तो ये हमने आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम और ये कलेक्टर साहब को। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो कम्यूटेशन 14 साल में करता था उसको घटाया जाए, दूसरा कम करा जाए और 80 साल जैसे पेंशन बढ़ती है वो हमारी शुरू से ही 1%, 2% बढ़े, 80 साल किसने देखे। और तीसरी मांग हमारी जो है ये अपने इनकम टैक्स की जो है वो कम करी जाए लिमिट, और जो नहीं आते उनसे भी रिटर्न भराई जाती है। भाई रिटर्न क्यों भरा रहे हो जब हम आते ही नहीं उस रेंज में, तो फिर नहीं भराई जाए। ऐसे करके मुख्य मांगे हैं। इस संबंध में अभी हमारे जिलाध्यक्ष क्रांति कुमार जी के नेतृत्व में हमने जिला महोदय को ज्ञापन दिया है जो वित्त सचिव और मुख्यमंत्री तक जाएगा और इस पे कार्रवाई होगी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।